अरे यार, मैं माइनक्राफ्ट आइडियाज कहाँ से लाऊँ? रुको, अभी यूट्यूब खोल के वहाँ पे रिसर्च करना पड़ेगा। यूट्यूब पे वीडियो डाले तो मेरे को 2 वीक से भी ज़्यादा हो चुका है। एंड शॉर्ट्स तो मैं हाल ही में डाला था, कितने व्यूज़ है भाई इस पर? जो 4। अच्छा, यानी मेरे को लोग को पसंद आते हैं मेरे पीपल टेक्सचर पैक्स। इस पर तो 27K व्यूज़ है, और ये मिथ्स वाले पे तो आते ही नहीं है व्यूज़। अब लगता है टेक्सचर पैक का धंधा स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन अभी मैं माइनक्राफ्ट सर्च करता हूँ, देखते हैं कोई वायरल टॉपिक है कि नहीं। जल्दी आ जा। अरे भाई, टेक्नो गेमर ने वीडियो डाल रखा है, व्हाट? देखते हैं इसको भाई, एंड इससे आइडिया निकालते हैं। यस गाइस, मेरे को आइडिया मिल चुका है, तो अभी माइनक्राफ्ट के अंदर चलते हैं पहले। एंड भाई, टेक्नो गेमर की इस वीडियो पे लिटरली 5 मिलियन व्यूज़। भाई इतने व्यूज़ हैं, व्हाट भाई, मेरे को भी 1.20 का सर्वाइवल सीरीज बनाना पड़ेगा भाई तुरंत। भाई पीसी ऑन करते हैं भाई, चलते हैं तुरंत टी लॉन्चर के अंदर, बिकॉज मेरे पास पेड माइनक्राफ्ट नहीं है। सो अभी तुरंत वीडियो बनाता हूँ मैं, चलो भाई। तो हाँ गाइज, हम लोग आ चुके हैं माइनक्राफ्ट 1.20.1 के अंदर, एंड ये माइनक्राफ्ट का लेटेस्ट अपडेट है। एंड आज हम लोग बनाने वाले हैं अपना सर्वाइवल वर्ल्ड। एंड इससे पहले भी मेरा सर्वाइवल वर्ल्ड था, लेकिन 1.16.5 में था, लेकिन अभी हम लोग बनाने वाले हैं इस पे। तो अब यहाँ पर प्रिपेयरिंग हो रहा है, एंड यहाँ पे आ चुका है वर्ल्ड नेम। तो मैं वर्ल्ड का नेम सोच के रखा हूँ भाई, क्या डालूँ सोच के रखा था मैंने। मैं यहाँ पर डालूँगा एनजी नगर, एनजी का नगर भाई, ये नाम मैं सोच के रखा था, ये नहीं मेरे को अच्छा लगता है, तो ये मेरी नगरी है। तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारे बिल्ड्स बनाएंगे, एकदम खतरनाक आर्मर बनाएंगे। एंड मेरा गोल यही है कि एकदम मस्त हम लोग इस वर्ल्ड को ले जाएंगे एकदम ओपी लेवल तक। तो अभी वर्ल्ड क्रिएट होता है जल्दी से। हाँ गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं अपने वर्ल्ड के अंदर। एंड भाई लैग हो रहा है भाई, गंदे वाला। अभी ऑप्टिफाइन रिलीज हुआ है, लेकिन 1.20 के लिए अभी मैं 21 यूज़ कर रहा हूँ, तो भाई प्रॉब्लम। अबे ये भाई बहुत ज़्यादा लैग हो रहा है भाई, पहले पेड़ काटते फिर मैं कुछ बोलूँगा। एंड अभी मैंने पेड़ काट लिया, एंड अभी मैं कुछ बेसिक चीज़ें बनाता हूँ जो कि माइनक्राफ्ट के लिए एकदम ज़रूरी होती हैं। सो अभी भाई बहुत ज़्यादा हैंग हो रहा है भाई, रुको एक मिनट थोड़ा सा देख लिया जाए, कुछ सेटिंग्स छेड़छाड़ कर सकता हूँ भाई, कुछ नहीं है। अभी ये हाई कॉन्ट्रास्ट वाला हटा देता हूँ, पता नहीं बिल्डिंग मेरे को मिल गया था, तो जल्दी से इसको हटा के मैं जल्दी से कुछ नॉर्मल सामान बनाता हूँ एंड आपको दिखाता हूँ। एंड गाइज, यहाँ पे मैंने पिकेक्स बना लिया है। सो अभी चलते हैं, पहले स्टोन माइन करते हैं ताकि स्टोन के टूल्स बना सकूँ मैं। एंड स्टोन के टूल्स बनाने के बाद मैं केव एक्सप्लोर करूँगा, एंड मेरा वो खाना भी काफ़ी ज़्यादा चाहिए होगा। सो अभी पहले स्टोन माइन करते हैं, उसके बाद का देखते हैं कि क्या करना है। हाँ गाइस, तो मैंने अभी स्टोन का पिकेक्स बना लेते हैं, एक्स बना लेते हैं, शॉर्ट बना लेते हैं। एंड मैं स्टोन माइन कर रहा था, तो मेरे को कोल भी मिल गया था, तो अब केव में जाने में प्रॉब्लम भी नहीं होगा। एंड अभी मैं यहाँ पे अपना शॉर्ट बना लेता हूँ, क्योंकि वो भी काफ़ी काम आता है। एंड यहाँ पे मैंने टेक्सचर पैक लगा रखा है स्पंकी भाई का, बिकॉज वो मेरे को अच्छा लगा तो मैंने लगा लिया। एंड अगर आपको अच्छा लग रहा है ये वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। एंड इसी तरह मैं इस एपिसोड को अच्छे से, इस सीरीज़ को अच्छे से कंटिन्यू करूँगा। एंड अभी मैं फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ, यार क्या दिखाऊँ मैं इसमें, अभी टॉर्चेस बनाता हूँ। एंड चलते हैं केव में, देखते हैं क्या हाल है केव का। अरे भाई।
का इतना टॉर्चेस वेस्ट करने के बाद लिटरली मेरे को अभी लस्के मिला है। मैंने मैं लस्के बाद क्या ही करूँगा यार, से मैं टॉर्च लेके निकलता हूँ भाई मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है भाई। स्केम में कुछ भी नहीं है, एक आयरन तक नहीं मिला मेरे को लिटरली। मैं उस समय तक खोजे जा रहा हूँ, अब आयरन, अब भाई मिल गया आयरन का नाम लिया, आयरन हाजिर। तो अभी इस आयरन को माइन करते हैं, मेरे को फूड भी चाहिए होगा, लेकिन पहले इस आयरन को माइन करते हैं एंड देन चलते हैं फूड लेने। अरे भाई आयरन माइन कर लिया है एंड अभी चलते हैं ऊपर, कोल ले लूँगा बीच में अगर मिलेगा, एंड अभी मेरे को फूड चाहिए होगा तो चलते हैं फूड लेने। लेके आना पड़ेगा भाई, एंड यहाँ पर टॉर्च लगाते हैं। एक बात तो है भाई, 1.20 में केवी केव है भाई, बहुत ज़्यादा केव है, मतलब स्पॉन होते ही 3-4 केव का एंट्रेंस एंड अंदर इतना बड़ा केव भी मेरे को मिल चुका है। एंड अभी मैं जा रहा हूँ भाई फूड कनेक्ट करने, क्योंकि एक गाय से कुछ नहीं होगा। सो अभी पहले इसको पका लेते हैं फर्नेस में एंड चलते हैं और दूसरे काओ को मारने। तो चलते हैं। एंड भाई नीचे जो लस्केप मिला था वो इसका पेड़ है, मतलब ये पेड़ के नीचे अगर हम लोग माइन करते हैं तो नीचे लस्केप मिलता है। एंड अभी तक मेरे को लिटरली एक भी काओ या कोई एनिमल मिला ही नहीं है भाई, ना विलेज मिल रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। एंड मैं भटके जा रहा हूँ एंड मेरे को डर लग रहा है मैं दूर चल जाऊँगा तो वापस आ पाऊँगा कि नहीं, इसलिए यार मेरे को डर लग रहा है। सो अभी वापस चलना पड़ेगा मेरे को, लेकिन मैं और छानबीन करते हुए जाता हूँ। और गाइस इसी के साथ मेरे को मिल चुका है यहाँ पे रवीन, काफ़ी अच्छा साइन है आयरन वायरन कनेक्ट करने के लिए। एंड अभी एक काम करता हूँ, जो एक खाना मिला था उसी को लेके आता हूँ एंड चलते हैं रवीन में एंड वहाँ पे माइनिंग वाइनिंग करते हैं एंड फिर देखते हैं कि मेरे को एनिमल्स मिलते हैं कि नहीं। सो एंड फाइनली मेरे को पिगीज जो है वो मिल चुके हैं एंड अभी इस पिगीज को मैं मारता हूँ एंड को कुक करता हूँ एंड अभी चुपचाप मैं घुस जाता हूँ केव में, बिकॉज रात होने वाली है एंड रात में क्या होता है आप लोगों को पता ही है। सो अभी मैं चुपचाप घुस जाता हूँ केव में इन लोग को मारने के बाद। एंड मगर इस हिसाब से फास्ट फॉरवर्ड करूँगा तो भाई काफ़ी टाइम लग जाएगा वीडियो को और काफ़ी लेंदी हो जाएगा वीडियो, एंड रात हो चुकी है ऑलमोस्ट एंड मैंने सबको मार दिया एंड अभी यहाँ पे खाना पकड़ा है। तो अभी मैं मिलता हूँ सीधे केव में, क्योंकि फास्ट फॉरवर्ड ज़्यादा करूँगा तो वीडियो लेंदी हो जाएंगी। अभी ये 7 मिनट की हो चुकी है। सो चलते हैं सीधे केव में पहले। ओ गाइस मेरे को आयरन मिल चुका था, इसको माइन करते हैं एंड अभी जितना आयरन माइन करूँगा सब मैं आपको दिखाता हूँ तेजी में। अबे मैं केव के बाहर आया था, ये तो जॉम्बी है भाई, मेरा गेम इतना लैग क्यों कर रहा है? ओ भाई बढ़ जा जल्दी। अबे नहीं भाई मर गया भाई, मेरे को डर लग रहा है भाई, केव के अंदर घुसना पड़ेगा। मैं बाहर आ गया था क्योंकि वो केव बंद है, तो अभी नीचे चलते हैं भाई जल्दी से। भाई यहाँ पे वाटर भी है, इस तरफ भी वाटर ही है, तो सबसे पहले इधर चलते हैं भाई जल्दी से भाग के और आयरन माइन करते हैं। भाई रात हो चुकी है अभी। अरे भाई मेरे को उस तरफ कुछ नहीं मिला रवीन में, तो अभी इस तरफ चलते हैं देखते हैं यहाँ पे कुछ होता है कि नहीं। एंड अभी रात हो गई है, मैंने काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज को मारे हैं, इसलिए मैं 4 XP है, तो अभी चलते हैं। अबे मैं इधर आया हुआ था केव में, मेरे को भाई इतना बड़ा केव मिल गया लिटरली, भाई इसमें ज़ॉम्बीज भी हो सकते हैं, लेकिन मेरे पास एक्स है, मैं सबको पेल लूँगा। एंड अभी चलते हैं यहाँ पे आयरन वायरन माइन करते हैं तेजी में। अबे नहीं 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 नहीं, यहाँ पे 2 ज़ॉम्बी एंड एक स्पाइडर है भाई, मैं सब लोगों के बीच से गिर चुका भाई। नहीं नहीं मैं 4-3 हार्ट पे हूँ भाई, लिटरली भाग भाई, चलिए खाना खाओ भाई, मेरा खाना वेस्ट हो जाएगा। वैसे भाई मैं सोचा था कि आराम से इतना खाना मैं माइनिंग करूँगा, लेकिन इन लोग कैसी की तैसी, अभी भाई सबको बजाऊँगा मैं। अभी कहाँ है भाई मेरा स्वॉर्ड? ये ले ये ले ये ले, मेरे को छू कैसे दिया भाई तूने? ये ले निकल निकल,
हाँ भाई बच गया भाई, अभी नहीं तो अगर मैं वहाँ से हिलता नहीं तो भाई मेरा हो जाता है एंड। इन्होंने मेरा पूरा खाना ख़त्म ही कर दिया। अब मेरे को लगता है वहाँ पे ऊपर जाके फिर से खाना लेना पड़ेगा एंड। अब स्केलेटन भी है, नो 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 नो, इसको मारना पड़ेगा भाई जल्दी से। भाई मर जा भाई, मर जा 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 जल्दी। भाई मर गया फाइनली एंड। अब मैं आराम से चैन की नींद ले सकता हूँ। नींद कैसे लूँगा भाई, मेरे पास बेड ही नहीं है। तो अभी काम करता हूँ मैं, इधर AFK करता हूँ एंड अभी मेरे पास टॉर्चेस भी ख़त्म है। तो अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ पे AFK करता हूँ दिनों का। तो मैं फूड लूँगा एंड फिर वहाँ पे यहाँ पे वापस आ जाऊँगा। हाँ गाइस, तो अभी यहाँ पे मस्त अपना AFK करते हैं एंड जब दिन होगा तो मैं बाहर निकलूँगा आराम से। सो अभी सीधे मिलता है दिन में। यस गाइस, अभी दिन हो चुका है। सो अभी मैं चुपचाप जाता हूँ यहाँ पे, फूड लेके आता हूँ एंड फिर से रीमाइनिंग करता हूँ। भाई वहाँ पे मैं बिल्कुल आयरन ले ही नहीं पाता, वैसे वहाँ पे था बहुत सारा आयरन। तो अभी चलते हैं फूड कलेक्ट करने पहले। तो काफ़ी मेहनत के बाद मैं यहाँ पे, मेरे को खाना मिल चुका है। तो अभी तुरंत निकलते हैं अपने केव के लिए। मेरे को ढंग से याद भी नहीं कहाँ केव था, अबे मिल गया, मैं तो यहीं पे था। चलो भाई अभी निकलते हैं केव में सीधे। अबे शिट भाई, मैं मर कैसे गया? नो वे, अबे अबे यार अभी जल्दी केव में जाना पड़ेगा मेरे को भाई, भाग जल्दी। शायद इसी तरफ था, हाँ ये ब्रिज फॉरेस्ट आ गया। भाई मैं मर कैसे गया भाई, मैं अपना मस्त जा रहा था और मेरे इन्वेंट्री खुले रह गया और मैं मर गया। व्हाट भाई, अभी मेरे को रवीन मिलेगा अभी कि नहीं पता नहीं। अब भाई मिल गया, लकीली मिल गया। मैं इधर ही कहीं मरा था ना, हाँ मैं उस तरफ मरा था शायद। अभी यहाँ पे चलते हैं एंड भाई जल्दी 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 कहाँ है, हाँ ये ना मेरा सामान। भाई सामान मिल गया भाई, इतना मेहनत से ग्राइंड किया था मैंने भाई, मतलब मैं उतना ऐसा ग्राइंड ही कर रहा हूँ। सो अभी भाई सामान मिल चुका है मेरे को, अभी मैं बहुत खुश हूँ यार। अभी चलते हैं चुपचाप अपना माइनिंग करने। भाई मैं मर गया था लिटरली, मतलब भाई अब सतर्क रहना पड़ेगा। ये को मैं हार्डकोर नहीं खेला, मैं तो सोचा था हार्डकोर सीरीज बनाई गई है क्या भाई, मैं तो फर्स्ट ही एपिसोड में मर जाऊँगा तो हार्डकोर कैसे बनाऊँगा। सो अभी चलते हैं भाई चुपचाप। एंड भाई आयरन माइन करते हुए मेरे को लिटरली क्या मिल गया भाई, ये इतना बड़ा केव है भाई। मैं रेंडर नियर को रेंडर चंक्स बढ़ाता हूँ भाई, चेक दिस आउट भाई, कितना बड़ा केव है भाई। मैंने अभी रेंडर डिस्टेंस बढ़ा लिया, मेरे फ़ोन की फट रही है अभी लिटरली एंड। ये चौथी बार है, मतलब रेंडर डिस्टेंस बढ़ाते ही मेरा रिकॉर्डिंग क्रैश हो गया था एंड चौथी बार रिकॉर्ड करा बस क्रैश ना हो। एंड भाई लिटरली कितना बड़ा है, मेरे को लिटरली 4 FPS मिल रहा है लिटरली। तो भाई इतना बड़ा के भाई, इसको भी लूट लेंगे भाई तो अपन तो बानी बन जाएंगे भाई। तो भी अबे हाँ, तो भी आयरन माइन करते हैं नॉर्मली भाई। इसके बाद जो हुआ आप लोग सोच ही नहीं सकते, मैं गलती से लाइक मैं यहाँ पे देख रहा था कितना बड़ा केव है और मैं सोचा कि भाई इसमें बाद में जाएंगे, पहले थोड़ा सा आयरन स्मेल्ट कर लेते हैं। और मैं जाता हूँ यहाँ पे आयरन स्मेल्ट करने एंड यहाँ पे क्रीपर को फाड़ने के बाद मैं यहाँ से चल जाता हूँ आयरन स्मेल्ट करके आने। मतलब मैं जा रहा था एंड जाते जाते मेरे को यहाँ पे एक बड़ा सा आयरन का वेन मिल जाता है, तो मैं इसको माइन करता हूँ एंड वापस आता हूँ और मैं फिर आपको बताता हूँ। एंड यहाँ पे आयरन स्मेल्ट करके मैं वाटर बकेट बनाता हूँ एंड यहाँ पे सक्सेसफुली MLG करने की कोशिश करने में मैं बिल्कुल एकदम खतरनाक वाला सफल हो जाता हूँ। और मैंने आयरन स्मेल्ट किया था तो मैंने कुछ कुछ बना लिया था एंड इस क्रीपर को तो मैं आसानी से फाड़ देता हूँ। एंड मैंने सोचा भी नहीं था अभी मेरे साथ क्या होने वाला है। एंड मैं इधर आराम से घूमता हूँ एंड मेरे को पीछे आयरन दिखता है, तो मैं सोचता हूँ इसको माइन करूँगा। एंड मैं उस समय हेडफोन नहीं लगाया हुआ था और मेरे साथ कुछ ये होता है, मैं मर जाता हूँ लिटरली क्रीपर से। एंड उसके वजह से मतलब ब्लास्ट से कोई सामान फूट जाता है तो मतलब कि वो ख़राब हो जाता है, मतलब डिस्पॉन हो जाता है बेसिकली। तो मैं अब वापस जाता हूँ लेकिन मेरे को कुछ नहीं मिलता, तो मैं रिकॉर्डिंग्स क्या है दिखाऊंगा। तो मैं फिर से रीग्राइंड करता हूँ तो उसके क्लिप्स मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं 3-4 बार मर भी गया था बिकॉज बहुत ज़्यादा हाइट माइट से मैं MLG फेल हो गया था। ये फर्स्ट बार में तो हो गया था लेकिन मैं 2-3 बार पानी में नहीं गिरा था। तो भी आगे देखो गाइस, मैं रिकॉर्डिंग वाला NG बोल रहा हूँ, मतलब एडिटिंग वाला NG बोल रहा हूँ एंड यहाँ पे मेरी सारी क्लिप्स
करप्ट हो चुकी है। एंड इस क्लिप में मैं नॉर्मली ज़्यादा ग्राइंड कर लिया था एंड मैं विलेज ढूंढने की तलाश में था एंड फाइनली ये तो नहीं वो हुआ है, तो मतलब ये क्लिप करप्ट नहीं हुई है, इसको मैंने रिकवर किया भाई, ये भी थी लेकिन अब वो सबको भी रिकवर करना है, लेकिन मैं करूँगा नहीं क्योंकि मैं लेजी हूँ। एंड यहाँ पे मेरे को मिल जाता है एक ख़तरनाक सा विलेज जहाँ पे मैं अंदर जाके अपना रिस्पॉन पॉइंट सेट कर देता हूँ। एंड ये आयरन गोलम भी मेरे को यहाँ पे मिल जाता है एंड वॉइस ओवर कर रहा हूँ ना, तारत नहीं है मेरे को वॉइस ओवर की। एंड यहाँ से मैं ब्रेड उठाता हूँ जो कि खाने के लिए मैं यूज़ करूँगा। एंड यहाँ पे बाहर आयरन गोलम था तो मैं इसको मारने का प्लान बनाता हूँ। एंड यहाँ पे मैं सोचता हूँ अपना आई क्यू लगा कि यहाँ पे ब्लॉक कर मतलब तीन ब्लॉक लगाता हूँ ताकि किसी तरह मेरे को मार ना पाए और मैं मरूँ ना, क्योंकि मैं डर चुका था क्योंकि भाई इतना मेहनत से ग्राइंड किया था मैंने, वो सब जा चुका था। एंड अभी मैं इसको पटाखे बजाता हूँ एंड इसको मैं मारता हूँ। ओहो देखिए विलेजर बचाने आए हैं, लेकिन विलेजर को क्या पता मैं इसको मारूंगा। अरे भाई मैंने इसको मार दिया। चलो एंड भाई मैं बाद में सब करूंगा, भाई आउट्रो करने जा रहा हूँ भाई, ये लिटरली एक घंटे की रिकॉर्डिंग हो गई है, सो मैं जाता हूँ आउट्रो करने। यस गाइस तो आज की वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते किसी और नेक्स्ट वीडियो में। सो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते किसी और नेक्स्ट वीडियो में, सो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।